स्वच्छ आकाश का रंग और सूर्योदय तथा सूर्यास्त। हम जानते हैं आकाश का रंग नीला होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त का रंग लाल होता है। इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप, हम निम्नलिखित वस्तुएं लेंगे। अभिसारी लेंस, स्वच्छ जल से भरा एक पारदर्शी कांच का टैंक, वृत्ताकार छेद के साथ एक गत्ता, सफेद पर्दा, सोडियम थायोसल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे इस तरह रखें। प्रकाश के समांतर किरण पुंज को स्वच्छ जल से भरे एक पारदर्शी कांच के टैंक से गुजारिए। किसी एक गत्ते में बने एक वृत्ताकार छिद्र से इस प्रकाश किरण पुंज को गुजरने दीजिए। दूसरे अभिसारी लेंस का प्रयोग करके वृत्ताकार छिद्र का स्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बनाइए। टैंक में लगभग 2 लीटर स्वच्छ जल लेकर 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट घोलिए। जल में लगभग 1 से 2 मिलीलीटर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। बाद हम सल्फर के सूक्ष्म कणों को अवक्षेपित होते देख सकते हैं। हम कांच के टैंक के 3 पार्श्वों से नीला प्रकाश देख सकते हैं। ये नीला प्रकाश सल्फर के सूक्ष्म को लाइट कणों द्वारा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। कांच के टैंक के 4थे पार्श्व से वृत्ताकार छिद्र से पारगत प्रकाश के रंग का प्रेक्षण कीजिए। ये प्रेक्षण भी रोचक है क्योंकि पर्दे पर पहले नारंगी लाल और फिर चमकीला लाल रंग दिखाई देता है। प्रेक्षण, प्रकाश किरण का नीला रंग जल में प्रकीर्ण होता है। नारंगी लाल रंग जल में प्रकीर्ण नहीं होता है। क्योंकि लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग की लंबाई नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। नीला प्रकाश सल्फर कणों के कारण प्रकीर्ण होता है। लाल प्रकाश प्रकीर्ण नहीं होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब यही घटना होती है। वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। इस प्रकार स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है। अब जानेंगे जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर होता है तब
सफेद क्यों प्रतीत होता है? और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? यहाँ हम सूर्य के तीन स्थिति का निरीक्षण करेंगे। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। इस समय नीले तथा कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अधिकांश भाग किरणों द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है। इसीलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है। इससे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। जब सूर्य से ठीक ऊपर होता है तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा। इस प्रकार बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्ण हो पाता है। इसीलिए दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है।